ओके ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटो कार्ड से आज लेके आया एक नया वीडियो जो है सेलिस्ट्रॉन 90 LCM कंप्यूटराइज टेलीस्कोप। और चलिए दोस्तों इसे अनबॉक्स करते हैं, इसका पूरा सेटअप कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है 90 LCM कंप्यूटराइज टेलीस्कोप का बॉक्स, बॉक्स दिखा देता हूँ। इस तरीके का बॉक्स होता है, ब्रांडिंग यहाँ पर हो रखी है सेलिस्ट्रॉन की और ये इस तरफ से भी सेम ब्रांडिंग हो रखी है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये निकलता है, सारी एक्सेसरीज मैंने पन्नी में से निकाल के आपके सामने रख दी है। ये है हमारा इसका ट्राईपॉड, ये है कंप्यूटराइज माउंट, ये है 90 LCM का, बहुत ही 90 mm का ट्यूब, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये इसका हैंड कंट्रोल है जिससे माउंट ऑपरेट होगा। ये हैंड कंट्रोल रखने के लिए है जो ट्राईपॉड के साथ इस तरीके से कनेक्ट होकर यहाँ हैंड कंट्रोल फिक्स हो जाता है। और ये है बैलेंस बनाने के लिए, ये है ना खाने योग्य सिल्का जेल, इसमें है क्लीनिंग क्लोथ और ये स्क्रू, दो इसके अंदर मिलते हैं आईपीस, एक है 25 mm का आईपीस, एक है 9 mm का आईपीस। और फ्रेंड इसके साथ में हमें मिलता है रेड डॉट फाइंडर स्कोप जो कि ये रहा। इसमें यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है, ये प्लास्टिक की पत्ती है, जब आपको यूज करना हो आप इसको निकाल दीजिएगा तो आपका वर्किंग हो जाएगा, ऑन ऑफ यहाँ से होता है। और चलिए बाकी मैं जानकारी आपको सेटअप करने के साथ साथ देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये है डायगनल जो इसके ऊपर आईपीस लगेगा और ये है हमारा एक्सेसरी ट्रे। तो चलिए दोस्तों सेटअप करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है ट्राईपोड, खोलने के बाद सीधा यहाँ ट्राईपोड इस तरीके से रख देंगे और रखने के बाद यहाँ पे माउंट लगाएंगे। माउंट लगाना है सिंपल सा, यहाँ पे एक ये दे रखा है टाइट करने के लिए और ये पोजिशन, इसको दोनों को सेट करना है बिल्कुल सेंटर में मिला के। इस तरीके से सेट हो गया ये, अब इसको यहाँ इस रुको ठीक है, इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे अच्छे से। और टाइट करने के बाद जो हमारा ये ट्यूब है वो यहाँ लगेगा। मैं पोजीशन को इधर करता हूँ आपकी तरफ, होल्ड कीजिए। इस तरीके से हमारा जो ट्यूब है वो यहाँ लगेगा, ट्यूब में आपको लगा के दिखा देता हूँ। स्क्रू को लूज करेंगे और स्क्रू को लूज करने के बाद ट्यूब को यहाँ लगाएंगे बिल्कुल सीधा, इस तरीके से। जो सेलिस्ट्रॉन है वो सीधा होना चाहिए, इस तरीके से ट्यूब यहाँ लगा के इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। और इसको बैलेंस करेंगे बिल्कुल सेंटर में लगी होनी चाहिए ट्यूब। ठीक है, ट्यूब लगा दिया है मैंने। ट्यूब लगाने के बाद हम अपना एक्सेसरी ट्रे लगाएंगे, सिंपल सा है जैसे नॉर्मल टेलीस्कोप के होते हैं वैसे ही लगा के यहाँ फंसा देना है। उसके बाद एक्सेसरीज पे अपने आईपीसीस वगैरह आप रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ रख रहा हूँ फिलहाल, अभी आईपीसीस रख रहा हूँ, फाइंडर स्कोप हो गया, ये डायगनल हो गया। और दोस्तों अगर आप कहीं स्लिप वाली जगह पे हैं और ट्राईपोड के नीचे लगा लें, वाइब्रेट अगर हो रहा है, इधर उधर हिल रहा है ट्राईपोड आपका, तो उसके नीचे लगाने के लिए ये रबड़ दे रखी है कंपनी ने साथ में तीनों, इनको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं साइड करता हूँ, मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है इनकी। ये है फाइंडर स्कोप रखने का, ये है हैंड कंट्रोल रखने का, इसको सिंपल सा क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हो गया फ्रेंड। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, मैं इसके साथ में हमें लगाना है फाइंडर स्कोप जो कि यहाँ लगेगा। और फाइंडर स्कोप लगाने के लिए ये रहा हमारा फाइंडर स्कोप, और इसमें जो कि मैंने एक बताया था स्क्रू दे रखा है, इस स्क्रू से हम इसको लूज करेंगे। ये दो स्क्रू दे रखे हैं, इनको हम अच्छे से लूज करके लूज करके हम इसको यहाँ रख के एज इट इज हम इसको
सेट कर देंगे और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है फ्रेंड। इसको एज इट इज हम टाइट कर देते हैं। अब ठीक है दोस्तों, हमारा फाइंडोस्कोप लग गया है। उसके बाद में हमें इसके जो हैंड कंट्रोल है ये लगाना है। तो ये लगाने के लिए हैंड कंट्रोल में अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लगाने के लिए ऑप्शन दे रखा है माउंट के अंदर हमारा। मैं ये यहाँ माउंट में लगा देता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया। अब हैंड कंट्रोल रखने के लिए यहाँ पे ये हमने जैसे कि करा है, अब देखिए जैसे कि मैंने ये बहुत ऊपर लगा दिया तो अभी ये सेट नहीं हो रहा, तो आप इसको नीचे लगाइएगा, मेरी तरह गलती मत कीजिएगा। और वैसे ये नॉर्मली हो जा रहा है, ऐसे ही हो गया, तो अब इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हैंड कंट्रोल इस तरीके से रख गया है, और बाकी मैंने ये सारा सेटअप आपको कर दिया है। अभी जनरली हमें इस पे लगाना है हमारा डायगनल, और दूसरा यहाँ पे ये थ्रेड दे रखे हैं। अगर आपको अपना कैमरा अटैच करना है तो आप अपना कैमरा अटैच कर सकते हो। आपको कैमरा अटैच करने के लिए कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे टी अडेप्टर की हमें जनरली ज़रूरत पड़ती है, उस टी अडेप्टर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे थ्रेड दे रखी है, मैं आपको इस पर दिखाता हूँ। इस पर सीधा टी रिंग लग जाएगा मेरे हिसाब से, आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ फ्रेंड, जैसे कोई भी आपके पास कैमरा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अपना DSLR कनेक्ट करना है तो यहाँ पे ये देखेंगे थ्रेड दे रखे हैं, तो आपको टी अडेप्टर की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस पे यहाँ पे टीरिंग इस तरीके से चढ़ा सकते हैं पूरा राउंड करके, और आपका ये पोजीशन जो है आपके DSLR में लग जाएगा, तो आप फोटोग्राफ्स कर सकते हैं। अगर टी अडेप्टर आपके पास नहीं है तो जरूरत नहीं है उसको, इसके साथ में कंपनी ने एक ऑप्शन एडिशनल दे रखा है आपको, ठीक है फ्रेंड। अब हम इस पर लगाते हैं अपना डायगनल, दोनों स्क्रू लूज करेंगे सिंपल सा, और लूज करने के बाद हम इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे अच्छे से। अच्छे से टाइट करने के बाद ये वाला पोजीशन को कैप है, ये कैप हटाएंगे, उसके बाद हम अपना 25 mm का आईपीसी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम अपना 25 mm का आईपीसी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढने में मदद मिलेगी। अगर बड़ा आईपीसी यूज करेंगे तो हमें उतने जल्दी ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड। और ये है हमारी फोकसिंग नॉब, इसे आप अगर जो भी देख रहे हैं ऑब्जेक्ट और उसको फोकस करने के लिए ये काम आता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, ये फाइंडोस्कोप है प्रॉपर मैंने लगा दिया है, कैसे लगाया वो आपने देखा होगा। ये यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, ये ऑन ऑफ बटन करेंगे तब आपका ऑन हो जाएगा, उससे पहले ही हमें पन्नी हटानी पड़ेगी। तो अगर ये कंपनी लगा रखी है, कंपनी ने पन्नी अगर नहीं लगा रखी तो बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो जाती है, इसलिए ये मैं नहीं हटा रहा क्योंकि मेरा भी यूज नहीं है उसका। तो यहाँ से ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, ये ऑन ऑफ का बटन है। उसके बाद अगर आपका फाइंडर स्कोप और आपके आईपीस दोनों आपकी मैग्नीफिकेशन या आपके ऑब्जेक्ट पे सेट नहीं हो रहे हैं, तो पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को इस आईपीस से देखें। अगर आपका फाइंडोस्कोप उस पर सेट नहीं है, देन आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे ये लेफ्ट राइट के लिए ऑप्शन दे रखा है, और अप डाउन के लिए ये ऑप्शन दे रखा है। तो ये दोनों बटन इसीलिए दे रखे हैं कि अगर आपका फाइंडोस्कोप मैग्नीफाई नहीं है आपके आईपीस की रेंज के साथ, तो आप अब इन दोनों स्क्रू की, इन दोनों बटन की माध्यम से आप इसको आईपीस को अपने आईपीस की मैग्निफिक ऑब्जेक्ट के साथ में बिल्कुल बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, जो भी हम फाइंडर स्कोप में देखेंगे वही चीज़ हमें आईपीस में दिखेगी। तो जनरली कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड। और ये फोकसिंग नॉब है, आपको ऑब्जेक्ट में मिल जाता है, तो फोकस करने के लिए ये नॉब का इस्तेमाल करना है, और स्लोली स्लोली आप इस्तेमाल करें। ज़्यादातर कस्टमर करते हैं बहुत तेज करते हैं, तो उनको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता है, क्लियर नहीं हो पाता है, कहते हैं सर हमें कुछ दिख नहीं रहा है या कुछ है। तो इस तरीके से आप इसको स्लोली स्लोली इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा तो वो स्लोली स्लोली करोगे तो वो एकदम ब्लर नहीं हो जाएगा, वो स्लोली स्लोली करोगे तो क्लियर भी होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो स्लोली स्लोली आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं अपने कंप्यूटराइज माउंट के ऊपर। तो कंप्यूटराइज माउंट में सबसे पहले क्या है कि इसके लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पड़ेगी उसका। दोस्तों कंपार्टमेंट खोलने के बाद आप अपना क्या है, हमें इसमें बैटरी कनेक्ट करनी है, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ कहाँ पे कितनी बैटरी लगेंगी। ये दे रखा है यहाँ पे बैटरी लगाने का ऑप्शन। अब इसमें चार बैटरी सामने लगेंगी, चार पीछे लगेंगी, टोटल 8 बैटरी लगेंगी फ्रेंड, ठीक है। तो हम चलिए लगाते हैं बैटरी, प्लस माइनस का बैटरी में पूरा ध्यान रखना है हमें।
अब आप यहाँ पे भी दे रखा है, आप इसको डिस्कनेक्ट करके बैटरी आराम से लगा सकते हैं। यहाँ से ये हमने हटा दिया, अब ये बैटरी मैं आपको आराम से सारी लगा के दिखा रहा हूँ। 8 बैटरी लगानी है हमें इसके अंदर, 4 मैं लगा चुका हूँ। ये देखिए 4 बैटरी लगा दी, प्लस माइनस देख कर लगाना है। इसमें भी सेम 4 बैटरी लगानी है। ठीक है दोस्तों, बैटरी हमने कंप्लीटली लगा ली है। अब इसके साथ में जो हमने हटाया था इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये सिंपल सा हट जाता है और इसको लगा सकते हो। अब ये मैंने लगा दिया आपको, इसके बाद हम एज इट इज इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, करने के बाद यहाँ स्विच ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, उससे हम इसे ऑन ऑफ करते हैं। और उसके बाद ये रहा हमारा इसका हैंड कंट्रोल का स्विच। अब ये देखेंगे आप, इसमें पावर आ चुकी है हैंड कंट्रोल में। ठीक है दोस्तों, पावर आ गई है तो बैटरी ध्यान से लगाना है, उसके बाद इसमें पावर आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम पहले अपने कंपार्टमेंट को बंद कर देते हैं, इसको रखते हैं साइड, इसको निकालते हैं इधर। और इसको सिंपल सा ये आप देख रहे हैं 3 स्क्रू दे रखे हैं, इसको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फंसाने के लिए, उसमें अच्छे से फंसाएंगे। अच्छे से फंसाने के बाद ये जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे अंदर दब जाएगा। दोस्तों इस तरीके से कंपार्टमेंट बंद करने के बाद अब मैं ये इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे पावर इसमें आ गई है। अब यहाँ पे एक स्विच दे रखा है ऑन ऑफ का, वो स्विच मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, अभी ये अब मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ देखेंगे पावर चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो पावर इसमें आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब ये माउंट ऑपरेट कैसे होएगा वो हम देख लेते हैं इसमें। तो ये हमारा हैंड कंट्रोल है, इसमें अपना डेट टाइम आपको सिटी लोकेशन वगैरह सारा सबमिट करने के बाद हमें इसको ऑपरेट करना है। तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट देखना है यहाँ पे बटन दे रखे हैं, सारा अलाइनमेंट होने के बाद सोलर सिस्टम देखना है, सोलर सिस्टम में आपको क्लिक करना है, स्टार्स देखने हैं स्टार्स पे क्लिक करना है, डीप स्काई देखना है, जो भी यहाँ पे सारे देख सकते हैं नाम दे रखे हैं इसके, जो देखना है आपको उस पर क्लिक करना है। देन वहां पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा सैटर्न जुपिटर या एक्स वाई जेड, जो भी आप ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट पे आपको एंटर करना है। देन ये आपका जो माउंट है ये ऑटोमेटिक उसको अपनी लोकेशन में ले लेगा। सपोज मानिए सैटर्न इस तरफ है तो इस तरफ भी ऑटोमेटिक ले लेगा, और जुपिटर देखना है इस तरफ है तो ये ऑटोमेटिक घूम के माउंट उस तरफ ले लेगा। बस यहाँ पे आपको कमांड देना है और एंटर मारना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि अगर आप ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हो उसके बाद आपको लेफ्ट राइट करना है तो इससे आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। अभी तेज हो गया ना ये? हाँ, इसके लिए आपने 9 रखी होगी ना? 9 पे सेट रखा होगा। ठीक है, ये छोड़ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया तो लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए ये बटन दे रखा है, जैसे कि आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे कमांड इसके अंदर दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करके दिख रहा है भैया? देखेंगे सर, अब यहाँ पे आप देखिए सोलर सिस्टम देखना है आपको, इस पे बटन दबाइए, आपको ऑप्शन आएंगे सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्स देखने हैं, डीप स्काई देखना है, स्काई टूर करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। वो आपको अपना जो ऑब्जेक्ट देखना है उस पर क्लिक करना है, इससे सेलेक्ट करना है। अप डाउन के लिए जो सिलेक्शन के लिए है वो 9 नंबर और 6 नंबर का बटन इस्तेमाल कीजिएगा आप। ये हमारा माउंट को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन बटन दे रखे हैं, तो अप डाउन करने के लिए ये बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एंटर करेंगे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बाकी मैं आपको जैसे कि यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से लेफ्ट राइट आप कर सकते हो अगर आपको कोई आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और इसी प्रकार से आप अपना उसको अप डाउन कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत इजी टू यूज रहता है ये, एक बार समझना पड़ता है खाली बस इसके फंक्शंस क्या हैं हैंड कंट्रोल के, देन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है आपको इस्तेमाल करने के लिए। और एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं कंप्यूटराइज टेलीस्कोप। जिनको शौक है एस्ट्रो फोटोग्राफी करने का, वो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आप इसको करके दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने सारा फाइंडर स्कोप ये सब सेटअप करके दिखा दिया है। फोकसिंग नॉब ये है,
तो आपको मैं एक बार इसको फ्रंट पे लाके इसके ग्लास दिखा देता हूँ। इसका जो ग्लास है वो फुल मल्टीकोटेड ग्लास है और इसका जो फोकल लेंथ है वो 660 mm का फोकल लेंथ है, 90 mm का अपर्चर है और इसके अंदर दो आईपीस आते हैं 25 mm और एक दूसरा आता है अपना 9 mm का आईपीस। तो बहुत अच्छी आपको पावर दे देते हैं। ट्यूब इस बहुत ही प्यारा ट्यूब है और सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, आपको देखने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। आपको रिफ्लेक्टर नहीं है कि आगे की तरफ देखना है, नीचे है, इजीली कुर्सी पे बैठ के या कैसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हो टेलीस्कोप को। फाइंडर स्कोप का भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सेट करना है। ये रहा हमारा टेलीस्कोप और इसके आगे देखने से पहले ये इस पे कैप लगा होता है, वो कैप हटा दीजिएगा, ये कैप हटा दीजिएगा। मैं इसको ग्लास दिखा देता हूँ, फुल्ली मल्टीकोटेड इसके दोस्तों ग्लास है और अच्छा है। मतलब एक लो बजट में अगर आप कंप्यूटर टेलीस्कोप लेना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन डील आपको नहीं मिल सकती। अदरवाइज इससे ऊपर आप जाएंगे करीबन 50,000 प्लस टेलीस्कोप स्टार्ट होते हैं। सबसे लो प्राइस में एलसीएम सीरीज ही आती है सेलेस्ट्रॉन में, जो आपको बिलो 50,000 में कंप्यूटर टेलीस्कोप प्रोवाइड करा देती है। अब आप देख पा रहे हैं मैंने ये ग्लासेस इसके इधर आपकी तरफ ले आया हूँ, तो जो इसके ये ग्लासेस हैं वो फुल्ली मल्टीकोटेड ग्लासेस हैं दोस्तों। एक शार्प इमेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ये रहा कंट्रोल कैसे करना है, बैटरीज कैसे करना है, सारी जानकारी मैं ऑलमोस्ट आपको दे चुका हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इससे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्स देखना है, डीप स्काईज देखनी है, तो वो सारे आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी देखो हैंड कंट्रोल के में सारे ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें सीडीज वगैरह है, आपको अपना क्या कहते हैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रखा है, आप उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। केबल इसके साथ में कोई नहीं आती है, RS232 एक केबल आती है वो इसके साथ में नहीं है, तो वो आपको एडिशनल परचेज करनी पड़ेगी। आपको चाहिए होगी तो आप हमसे खरीद सकते हैं, हमारे पास वो अवेलेबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करें। और इस तरीके के कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए जो इंडिया में दोस्तों अवेलेबल होंगे, मैं वो अरेंज करके आपको वीडियो बना सकता हूँ। काफ़ी कस्टमर की डिमांड आती है वायरलेस सेलेस्ट्रॉन के टेलीस्कोप की वीडियो बनाइए, और फ्रेंड वो इंडिया में अभी किसी ने इंपोर्ट ही नहीं करे। जो चीज़ इंडिया में अवेलेबल होगी वो मैं कहीं से भी ढूंढ के लाके आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। 100% मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, बट जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। और सिंपल सा आपको आपका ऑब्जेक्ट अगर मिल जाता है तो आप 25 mm का आईपीस हटा के अपना 9 mm का आईपीस यूज कर लेना, वो आपकी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। और अगर आप ये दोनों आईपीसीस की पावर को यूज कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको पावर बढ़ानी है तो आप उसके लिए भी हमारे पास बार्लो लेंस, एक्सेसरी किट, क्लोजर आईपीसीस ये सारे होते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, तो हम इसको आपको प्रोवाइड करेंगे। और फोकसिंग नॉब भी बहुत स्मूथली काम करती है, तो एक बहुत अच्छी डील रहती है ये कंप्यूटर टेलीस्कोप में आपके लिए। अगर आप कंप्यूटर टेलीस्कोप पे जाने के इच्छुक हैं तो अगर बजट लो है तो आप इस रेंज से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर अदरवाइज तो 50,000 प्लस स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर टेलीस्कोप। ठीक है दोस्तों, ये था मेरी अनबॉक्सिंग और सेटअप वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरीके की कोई वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें नीचे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपना, हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट www.photocard.in पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। और या मेरा मोबाइल नंबर है 9891737309, मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोगों की शिकायत आती है मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, फ्रेंड थोड़ा सा बिजी रहता हूँ आप लोगों की जैसे, बहुत कस्टमर मेरे को फ़ोन करते हैं तो उसमें कुछ लोगों की कॉल्स मिस हो जाती हैं, तो प्लीज़ जिनकी कॉल मिस हो जाती हैं वो परेशान ना हो, अपने मेरे को व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, मैं 99% व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता हूँ हर बंदे को। कुछ एक आध बंदे ही हैं जो नहीं कर पाता, नहीं तो मुझे श्योर हूँ मैं 99% व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आप अगर मैं कॉल पिक नहीं कर सकता तो आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दें, आपकी जो भी डिमांड होगी मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये था इस वीडियो में, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।